हाँ जी वाले मैंने कहा थोड़ी सी चीजें क्लियर कर दिया ऐसे तुम बीच में फंस फंसाना जाओ तो कौन सी चीजें न्यू पेंट कौन सी चीजें क्लियर न्यू पेंट न्यू पैंट न्यू शर्ट न्यू पैंट न्यू शर्ट न्यू मी न्यू ईयर न्यू मी न्यूर सेम यू सेम ईयर न्यू मी

Ladies and gentlemen, welcome back to another podcast. It's your host Shabby Jaffri. and with us is our beautiful, wonderful, evergreen, ever blue Miss Momina Sundar Sayeda, our co-host. Alaikum, everybody. Aap log, aap khaisea, What's up man? What's up? Very good. Very good. Make sure before we continue, you guys please subscribe and hit bell icon wala button. Please. abhi.

करना हर चीज़ में उंगली करना ज़रूरी ज़रूरी है मतलब उंगली करना नहीं जरूरी नहीं है लेकिन लोगों के लिए लोग करते हैं वही मैं कह रहा हाँ, जरूरी तो सी बात है नहीं है क्या ही जरूरी होगा कि मैं किसी की फोन कॉल सुन लूं और मैं कहूँ की मुझे इसके बारे में डिटेल्स बताओ और मुझे इसका ये करो मतलब मैं तो ऐसी नाक नहीं अड़ाऊंगी ना अब तुम्हारे जो भी कनेक्शन हैं या तुम्हारी जो भी बात है मैं तो उसमें नाक नहीं अड़ाऊंगी तो लाइक अच्छा बाय द वे दिस इज दिस इज ओके दिस इज सो फनी ओ माय गॉड मेरी फोन कॉल सुन के मेरा मजाक उड़ाती है साली मेरे घर आके मैं किसी के साथ फोन कॉल पे, पे, पे लगा हुआ हूं और आके मेरा मजाक उड़ाई ओ तुम तो बात कर रहे हो <laughs> बात <तमीज। laughs>

वो बॉय अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होके बातें नहीं कर सकता तो क्या तुम और मैं what? समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ? क्या हम सेफ ये सवाल हम सबको पूछना चाहिए मसला है कि हमारी तो कोई प्राइवेसी है ही नहीं इनफैक्ट हमारी क्या लाइक like, पाकिस्तान की कोई हायर लेवल पे अगर कुछ नहीं है तो फिर हम क्या ही रह जाते हैं exactly. कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि अपेरेंटली अक्यूमलेटोरियाँ हंड्रेड एंड फोर्टी आवर्स का डेटा है कॉल रिकॉर्ड्स हैं फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हंड्रेड जी का डेटा है ऑडियो का फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके मिनिस्टर्स हैं बीच में आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान भी हैं एंड सम अदर अदर बिग 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 पीपल उसके अंदर अभी एम्बेरसिंग मोमेंट इस करंट गवर्नमेंट के लिए ये हुई हुई है कि ऑल ऑफ द कॉल्स दैट ऑल नॉट द कॉल्स बट

नौ बज के नौ बजे फ्राइडे वाले दिन नौ बजे सारी रिकॉर्डिंग्स मैं पब्लिक कर दूंगा और जो अभी आना है फ्राइडे अभी जो आना है फ्राइडे जाहिर सी बात है पिछले फ्राइडे की तो वो फ्यूचर में बात नहीं ना कर मुझे लगा कि पिछले थर्सडे को फ्राइडे को लीक करेगा ये लीक होके सामने आई है बातें नहीं जो लीक हुई है कोई दस वो कोई रिकॉर्डिंग्स लीक हो गई है और तो बंदे को नहीं, आप लुकेट करके पकड़ सकते? नहीं ना अपने वो वो <laughs> हाँ। <laughs> <laughs> आप को बताना चाहता हूँ दरअसल ना ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है अगर तुम्हारे पास दो मिनट है तो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ बेसिकली ये जो हैकर है इंडी शेल के नाम से ये डार्क वेब पे ऑपरेट कर रहा है इस तरह की कोई भी चीज़ रेगुलर वेब पे ऑपरेट नहीं होती जितने भी इलीगल इस तरह के काम होते हैं ना वो यूजुअली डार्क वेब पे ही होते हैं जहाँ पे आप क्रिप्टो के अंदर पैसे लेके आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट फेवर्स दे सकते हो तो वो अपनी रिकॉर्डिंग्स भी डार्क वेब पर बेच रहा है अब वेब जो है ना वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड है मेजर एक होता है रेगुलर वेब जिसको हम ब्राउज़ करते हैं we hain Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, all of these applications, our WhatsApp messages, not our WhatsApp messages, shayad, but most of the web that we see, google.com and such, are called regular web. Say so yeah, a regular web hota five percent of total web is regular web. Four to five percent of the entire web is regular web. Sorry, hold, hold that concentration, everybody. I want to explain still. एक तो लियास आके हमारी हमेशा पॉडकास्ट खराब करता है मैंने ना तुझे छोड़ना नहीं है किसी दिन लियास अच्छा ओके सो फोर टू फाइव परसेंट ऑफ रेगुलर वेब ऑफ ऑल द रेगुलर वेब इज ओनली फोर टू फाइव परसेंट जो हम यूज करते हैं अबाउट नाइनटी परसेंट ऑफ वेब इज द सेकेंड वेब विच इज़ द डीप वेब जिसके ऊपर सारे इनक्रिप्टिड दुनिया के मैसेज जिसके ऊपर पूरा बैंकिंग सिस्टम रिलाय करता है ये यह, यहाँ पर वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जैसे आपके पासवर्ड जो हैं वो डीप वेब में स्टोर होते हैं रेगुलर वेब में स्टोर नहीं होते क्योंकि रेगुलर वेब इज़ वेरी एक्सेबल टू द पीपल एंड इट कैन गेट हैक वेरी इजिली तो ये सारी चीज़ें जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है ये डीप वेब पर होती है जो कि नाइन्टी परसेंट ऑफ वेब है फिर जो रिमेंडर फाइव परसेंट ऑफ वेब है ना वो है डार्क वेब या अब डार्क वेब जो है इट्स एज बिग एज द रेगुलर वेब दैट वी नो ऑफ़ इट्स बिग कि और डार्क वेब एक कंप्लीटली डिफरेंट दुनिया है डार्क वेब इस तरह है कि वहां पे अगर तुम्हें किसी को कत्ल करवाना है तो तुम एक्चुअली जाके डार्क वेब पे कोई ना कोई किसी ना किसी की सुपारी कोई ना कोई शूटर हायर कर सकती हो जो क्या सोच रही है तू एग्जांपल दे दिया किस को एक साइको को मैं बता रहा हूं कत्ल करने के तरीके <laughs> तुम्हें अगर रॉकेट खरीदना है, <laughs> <कुछ> है। <laughs> अगर तुम्हें कोई रॉकेट खरीदना है तो तुम डार्क वेब पे वो खरीद सकती हो अगर तुम्हें किसी को मरवाना है तो तुम इनफैक्ट इस तरह की चीजें होती है कि डार्क वेब पे याद है तुम्हें हमारी जो जैनब थी Choti si bachi, the one who got raped, uh, I don't want to say this because I don't know if I'm mistaken about the names, but somebody got raped and it was on dark web. It was being watched by these millionaires and billionaires live and then eventually she got killed. So dark web is bhi hoti that what they do is around the world they capture kids. And what they do is, वो जो जो कह नहीं रहे थे कि वो लाइव देख रहे थे हा, दुनिया हा, में, हा, दुनिया हा, में बहुत सारे लोग एक जगह लॉग इन करके लाइव देख रहे थे और वो उसका रेप हो रहा थाइडिटीज अर ऑन डार्क वेब डार्क वेब इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द रेगुलर यूज देर इट इज नॉट दैट इजी टू गेट love to get more information in the comments below. If you know, ऑल अबाउट इट मी नो लेट एस नो इन दामेंट्स बिलो बट डार्क वेब पे इस तरह के लोग ऑपरेट करते हैं सो दिस हैकर इज ऑन डार्क वेब ही इज ऑपरेटिंग ऑन डार्क वेब एंड ही इज बेसिकली आस्किंग फॉर मनी ऑन डार्क वेब बट टू माई नॉलेज ही अपडेटेड जो लास्ट उसकी अपडेट थी ना है 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 हैकर क्या था कि मुझे अब कोई पैसा नहीं चाहिए आई एम जस्ट डोइंग दिस फॉर द बेटरमैन ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद एंड ही वॉज जस्ट एक्सपोजिंग एवरीबडी हु

यही तो मैं रही हूं, अगर वो कहीं बैठ के हैक कर सकता है तो हाँ। उसको क्यों नहीं कोई एक पॉइंट कोई एक चीज के हाँ ये इससे आपका पता नहीं आई मीन स्पेसिफिक वो कहीं ना कहीं से लोकेट हो जाए लेकिन अगर वो मेरा तो ख्याल है ही के नॉट बी इन पाकिस्तान बिकॉज इफ़ ही वॉज इन पाकिस्तान ही वुडन बी डूइंग समथिंग दिस रिस्की ही इज़ डेफिनेटली नॉट हियर इन माई ओपिनियन बट ही इज़ आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान इन मोस्ट आई थिंक सो एंड ही इज़ ऑपरेटिंग फ्राम एल्स और वो बहुत ज़्यादा प्रॉक्सीज यूज़ करके ये सारी चीज़ें कह रहा है जो कि उसकी लोकेशन एक्यूरेटली नहीं बता रहे और uh, हैक करना तुम्हें पता ना कंट्रीज की वेबसाइट्स कंट्रीज की आर्मीज की वेबसाइट्स और ऑफिशियल uh, बड़ी बड़ी चीज़ें हैक हो जाती हैं ओ बल्कि हाँ ये जो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन चोरी होती है और जो ये पासवर्ड्स लीक्स होती हैं होता है ना तुम्हें कभी अपने लैपटॉप पे आता है या आईफोन पे आता है कि आपके सिक्सटी पासवर्ड्स जो हैं वो लीक हो चुके हैं इस तरह की नोटिफिकेशन आती हैं तुम्हें

हाँ, हाँ, तो तुम्हारी अगर कोई भी चाहे समझो कोई डार्क वेब पे, हाँ, पे तुम्हारा कोई कोई भी बैठा हुआ है और वो तुम्हारी कोई भी चीज लेना चाहे तुम्हारा अकाउंट रीच करना चाहे या हाँ, तुम्हारा फोन रीच आउट करना चाहे तो वो उससे लीक टेक्निकली स्पीकिंग वैसे ऐसा है तो नहीं लाइक आई कांस्टेंटली कीप चेंजिंग माय बट यस 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 दैट्स दैट्स व्हाई व्हाई दे से कि अपने सारे अकाउंट्स के पासवर्ड सेम ना रखो क्योंकि एक पासवर्ड लीक होगा किसी भी डेटा लीक के अंदर ब्रीचेस बहुत रेगुलर हैं बहुत ज्यादा आप सोच भी नहीं सकते इतनी रेगुलर हैं

अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ट्रैवल करता हूँ कहीं पर क्योंकि मैं ट्रैवल ज़्यादा करता हूँ मुझे पता है इन चीज़ों का प्रॉब्लम का ठीक है मैं कहीं भी जाता हूँ

अगर तुम्हें इतना नहीं पता ना नहीं पता तो चल जाए लेकिन इतनी चीजें हुई ना मुझे ना इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी से बहुत इश्यू है कि कोई किसी का कहीं बैठ के किसी के फोन को यूज कर सकता है ठीक है दुनिया बढ़ रही है आगे लेकिन

<laughs> तो किया। <laughs> मैंने तुम्हें सुन्दस सुन्दस को चाहिए प्यार अगर किसी के पास प्यार है तो सुंदस को दीजिए क्योंकि सुंदर जो इसको प्यार मेरे... मिल रहा है ना अल्लाह ना ही करे कि मुझे वो प्यार मिले पागल लोग समझेंगे लोग समझेंगे कि मेरी आयशा मुझे प्यार नहीं करती बहुत प्यार करती नहीं 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 आयशा की बात नहीं कह रही नहीं आयशा वाला प्यार तो मिल जाए लेकिन जो तुम्हें प्यार मिल रहा है ना

दुनिया का एक पार्ट बनना चाहते हो कि अच्छा मैं पीसा ना मतलब ज़ाहिर सी बात है है तब तो करने ही पड़ रहा है हमें पीसा सारी नहीं नहीं थोड़ा तुमने सा... कहा कि तुम पीसा तुम पीसा ना जाओ तो तो मुझे याद आ गया तुम्हारा ब्रेन पीसा फ्रीज ना तो मैं पीसा नहीं गया

हाशर तुझे पैगसिस का पता है एक सिस्टम है बाय द नेम ऑफ पैगसिज इट्स अ सॉफ्टवेयर आई थिंक इसराइल ने बनाया ये सॉफ्टवेयर और वो कुछ इस तरह का है कि अभी जेफ बेजोस का पता है तुम्हें हाँ ओके okay, अमेजोन का जो सी है जिसको नहीं पता जेफ बेजोस का और मोहम्मद बिन सलमान का पता तुम्हें अरबी लग रहा है हाँ मोहम्मद बिन सलमान जो है वो सऊदी अरेबिया का प्रिंस प्रिंस मोहम्मद बिन या किंग है वो प्रिंस है ना या किंग है ंग मोहम्मद बिन सलमान एनी वे तो मोहम्मद बिन सलमान सेंट पिक्चर मैसेज टू जैफ बेजोस मैसेज के अंदर एक पैगेसॉफ्टवेयर था वो पिक्चर मैसेज जेफ बेजोस ने खोला क्योंकि वो मोहम्मद बिन सलमान से आया था जैफ बेजोस को क्यों लगेगा कि मोहम्मद बिन सलमान इज ट्राइंग टू हैक मी और वो मोहम्मद बिन सलमान को भी नहीं पता था यह क्या है और मेरा नहीं हेल्प उसने भेजा था यार जो भी इसकी स्पेसिफिक्स हैं कि वो उसने उसको भेजा जेफ बेजोस ने खोला और जेफ बेजोस का फोन हैक हो गया कम्प्लीटली वो हैकिंग सॉफ्टवेयर था जो कि बैकग्राउंड में काम करता है और आपको कभी पता भी नहीं लगता उस वक्त जेफ बेजोस का जो अकाउंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया उसका कैमरा फ़ोन का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया उस फोन की ऑडियो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई जो भी बंदा जहां पे भी बैठ के ये सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहा था वो उसके फोन के अंदर हर चीज एक्सेस कर सकता था और उसको पता भी नहीं था इट्स एज सिंपल एज दैट कि मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर एक तस्वीर भेजूं तुम सिर्फ वो तस्वीर खोल के देखो और तुमको हम, शावी नहीं है मुझे क्यों भेजिए ऑड और तुम फोन बंद करके रख दो अब तुम्हारे फोन का माइक कैमरा तुम्हारे फोन के अंदर के सारे कॉन्टेंट्स सब कुछ उस हैकर के पास हैं जो कि एट एनी पॉइंट एनी गिवन टाइम वो उसको एक्सेस कर सकता है ठीक तारिन टेक दैट इनके ये सॉफ्टवेयर कितना व्हाट्सएप व्हाट्सएप ब्लॉक्ड यार नहीं पता तुम्हें तो मुझे तो लगता है कि मैं अगर कोई चीज़ कहीं पे ट्रांसफर कर देती हूं तो मैं सेफ हो गई हूं कि अच्छा हां अब ये मेरे फोन में तो नहीं है ना जैसे अगर मैं अपनी कोई अकाउंट वगैरह कहीं और ओपन करती हूं या मैं अपनी कहीं जैसे ये आईडी पासवर्ड्स की सारी मैं अपने एक लिस्ट बना के लैपटॉप में रख लूँ या मैं फ़ोन पे रख लूँ या फ़ोन की ही किसी दूसरी ऐप में रख लूँ तो मैं बहुत सेफ़ फील करती हूँ कि अच्छा हाँ फिट है मतलब Mm -hmm. मतलब यहाँ से हट गई ना ये चीज़ लेकिन लेकिन क्या तुम्हारा फ़ोन तुम... अब वो क्योंकि पूरा इन जनरली अगर आपका वो है अगर आपका हैक हुआ है तो पॉइंट आप कहीं भी रखो उसको आप unless आपने कागज और पेपर पेपर और पेंसिल से लिखी हुई चीजें तो सेफ है ना तो तुम बच नहीं सकती ये एक चीज बता दू मैं देर इज नो वेटेक्टिंग यूर phone, के हैकर होते हैं ना वो गवर्नमेंट लेवल्स पे काम कर रहे होते हैं गवर्नमेंट्स गौन्स कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को हैक करने की और ये जो हनी ट्रैप्स होते हैं बड़ा तुम्हें हनी ट्रैप्स का तो पता है ना तुम्हें हनी ट्रैप्स का नहीं पता हनी ट्रैप होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी पॉलिटिशन से किसी से काम करवाना कोई गलत काम कराना है आपने ठीक है आप एक आप अमेरिका में सी आई ए में आप कुछ एजेंट वे हो ठीक है आपने किसी भी पाकिस्तानी या आपने अमेरिका के लेते हैं पाकिस्तान को छोड़ देते हैं आप अमेरिकन सी आई ए में हो आपने अमेरिकन पॉलिटिशन से काम कराना है या अमेरिकन बिजनस मैन से काम कराना है कोई आप प्लान करते हो दो साल का आप कहते हो दो साल में से ये काम करवाना तो आप कहते हो अपनी टीम को कहते हो सी आई ए को कि हाँ इसको ढूंढना इसको ज़रा इसके पर नज़र रखो फिर एक आइडिया आता है हनी ट्रैप का वो क्या करते हैं किसी लड़की को आपका आशिक बना के ना उस लड़के का आशिक बना के आपके पास भेज देते हैं वो आपको पार्टी शार्टी कराते हैं आपको उसके साथ यानी कि सब कुछ उसका उसके साथ आपको करवाते हैं और आपकी वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते हैं उस कमरे में ठीक है इसको कहते हैं हनी ट्रैप अब उन लोगों के पास उनको पता है आपकी वीकनेस क्या है उनको पता है कि आप एक फैमिली मैन हो उनको पता है कि आप अपनी बीवी पर चीट कर रहे हो उन्होंने आपकी वीडियो बना ली है किसी और लड़की के साथ इंगेज होते हुए अब वो वीडियो आप अपने पास रखेंगे और इस पॉइंट के ऊपर वो आपसे जो चाहे वो काम कराएंगे दैट इज द प्रॉब्लम पॉलिटिशियंस दैट इज द रीजन वाई पॉलिटिशियंस अ ऑफ पॉलिटिशियंस अराउंड द वर्ल्ड डू स्टफ दैट दे शुड डू और आर स्केर्ड ऑफ सम पीपल एट हायर हायर पोस्ट क्योंकि उनके पास हनी ट्रैप्स हैं पॉलिटिशियंस के उन हनी ट्रैप्स ही नहीं यानी जो भी वीकनेसेस हैं पॉलिटिशियंस की वो उनके पास हैं और उनको पता है कि ये और ये हमें और ये मुझे ये इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे बंदे ने बताई थी जिसको बहुत कुछ पता है और वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर तो क्या था कि बहुत सारे लोग हैं जो कि हनी ट्रैप्ड हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो हा, कि हाँ क्यों कहता है कि वो वो आया उसको पता है कि उसको ये वाली शराब बहुत पसंद है और इस तरह की लड़कियां बहुत पसंद आ गया था उसने उस कंट्री से लड़कियां बुलाई और ये वाली शराब लेकर आए और उन्होंने कहा जा पार्टी करते हैं जानी मेरे फार्म हाउस में उसको पता था ये पार्टी बॉय है वो पार्टी कर रहा था उसकी नंगी पोंगी और इधर उधर और लेफ्ट राइट सारी वीडियोज़ बना ली और दैट स्पेसिफिक पॉलिटिशन इंडिविजुअल इज इज़ नाव हनी ट्रैप्टन एल्कोहल ट्रैप्टन आई विल पॉड कैस आई कैन यूट ना कॉन हम दोनों मारे जाएंगे बेवकूफ़ <laughs>

कि यू नो जो जिस वक्त हम जिंदा है ना क्योंकि ए इतनी स्मार्ट हो गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्राफिक्स इतनी ज्यादा एक्यूरेट हो गई हैं कि ऑलरेडी हम लोग उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं कि जो ग्राफिकली डिजाइन वीडियोस होती हैं ना वो इतनी रियल लाइफ लगती हैं कि आपको डिफरेंस बताना मुश्किल है स्पेशली oh. ये जो रेसिंग वीडियोस हैं ना एक अभी एफ वन की एक वीडियो आई थी जिसके अंदर दीज कॉर रेसिंग और वो पूरी वीडियो थी और उसके अंदर यानी कि वो रेस दिखा रहे थे और लोग दिखा रहे थे और क्लोज अप और ये और वो और गाड़ियाँ दिखा रहे थे टायर और ये चेंज होने वाली और वो बंदा बाद में कहता है कि यार दिस इज ग्राफिक्स आई आई खुड नॉट बिलीव वर आई वॉज सींग देर इज़ नो वे सो गाड़ियाँ तो हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी हो अचीव कर गई हैं क्योंकि हम गाड़ियों की उतनी डिटेल्स नहीं है जितनी एक ह्यूमन फेस की डिटेल्स हैं और वैसे ह्यूमन मूवमेंट एक बहुत डिटेल्ड चीज़ है जिसमें आपको फेक और रियल में डिफरेंस पता लग जाता है लेकिन ग्राफिक्स इतनी जबरदस्त होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता कि आपको वो फर्क बहुत जल्दी लाइक प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट टेन ईयरस वो फर्क आपको खत्म हो जाएगा तो इलॉन कि हम लोग उस वक्त में रह रहे हैं और हम वो वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं जबकि आपको पता है कि रियल क्या है और फेक क्या है हमसे जो हमसे पहले लोग गुजर गए उन्होंने टेक्नोलॉजी कभी देखी नहीं और हमसे जो बाद में लोग आएंगे ना वो कभी भी किसी चीज़ को देख के उसको प्रूफ नहीं रख सकते यानी अगर हाशिर को मैं यहाँ पे हाशिर को खड़ा करूँ और उसकी एक नंगी वीडियो बना लूँ जिसके अंदर हाशिर आ रहा है और खेल रहा है और सब कुछ कर रहा है, इन द नेक्स्ट टेन ईयर्स दैट कैन नॉट बी प्रूवन एज रियल क्योंकि इतनी फेक चीजें निकल रही होंगी और वो इतनी ईजिली निकल रही होंगी जैसे अभी पिक्चर्स को आप फेक कर सकते हो ना इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स वीडियोज आर गोइंग टू बी लाइक दिस एंड इट इज गोइंग टू बी इनडिस्टिंगशिबल फ्रॉम रियालिटी यानी कि वो डिफ्रेंशिएट आप कर ही सकते रियालिटी से वो इतनी रियल होंगी तो हम लोग उस टाइम स्टैम्प में रह रहे हैं उस वक्त में रह रहे हैं और एंजॉय करो इस वक्त को कि हमें एक्चुअली पता है कि ये फेक है ये वीडियो रियल है ये वीडियो फेक है तूने क्या कहा है कि जहद के व्लॉग्स फेक हो जाएंगे इसमें जैद कहाँ से आया और Instagram फेक इंस्टाग्राम पे वो करता है। जैद? तुने जैद, तुने जैद से जवाब करने की, कोशिश की है? मैं आ, तुम आ खड़े जरा एक सेकंड अपनी अपनी बात करनी है तो तुम जरा जैद के साथ डायरेक्ट ही बात कर लो यार मैंने नोट किया तुम बहुत देर से कोशिश कर रहे थे निकालने की

<laughs> नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मजाक हम कह रहे थे <laughs> मर्जी आप लग की <laughs> आप जो समझे सब सब तो नजर आता ही है बाकी अपना अंदाज़ा बाकी का खुद लगा ले सबको <laughs> सब नजर आता ही है सब पब्लिक है ये छुपा पब्लिक है ये सब जानती है मैंने उसको कई दफा कहा मैंने कहा यार तू हाशर तू यानी के हाशर क्या हाल है एकदम मुझे कमेंट्स याद आ जाते हैं लोगों के रुक जाता हूं वहीं पे

बहुत गंदी करके जिसमें इस बेचारे को मार भी रहे थे और इस तरह की चीज़ें और ये तेरे पॉपुलर होने से पहले की बात है राइट ये उनके साथ कोई ट्रिप पे गया था और वो अजीब से लोग थे जो भी तो हो गई थी बेसिकली हाँ ऑन कैमरा बुलिंग ऑन कैमरा बुलिंग इतना एक्सपोजर नहीं मुझे पसंद मैं बार बार एक ही बात कही जा रही हूँ बट मुझे <laughs> मुझे पसंद नहीं आ रही तुम्हारी आज की बातें what makes post we are not trying to expose ourselves <laughs> says the guy with three cameras in front of him yeah we, can, we, we have everything online i mean we have more online than you can expect actually if you search your name now guess what happens sorry i kinds some information

मतलब अब जैसे अगर हम लोग आमिर लियाकत का भी सीन देख लें तो उसकी इतनी चीज़ें एक्सपोज़ हो गई थी उनकी कि उनके ऊपर स्ट्रेस इतना ज़्यादा था जहाँ तक मुझे लगता है ओबियसली बात है जो भी हुआ सो हुआ बट ऑनलाइन ही बैठ के आप लोगों को गालियाँ दे देते हो ऑनलाइन ही बैठ के आप उनके वीडियोस लीक कर देते हो ऑनलाइन ही बैठ के आप उन पर हंसते हो रीशेयर करते हो और क्योंकि वो एक्सपोज हो जाते हैं जो कि कर सभी रहे हैं मतलब हर बंदा ही हर चीज़ कर रहा है डिफरेंट तरीके से बेशक ठीक है वो आ, उस तरह वीडियोस उनकी नहीं बन रही होंगी या जो भी लेकिन कर तो हर बंदा अपनी प्राइवेट लाइफ में कुछ ना कुछ रहा ही है ना ऐसा जो वो दूसरे को नहीं बताना चाहता है, या वो दुनिया के सामने नहीं लेके आना चाहता लेकिन ये चीज़ें एक्सपोज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर इश्यूज़ बढ़ जाते हैं मैंटल स्ट्रेस हेल्थ आपकी मैंटल हेल्थ आपकी अफेक्ट होती है इतने एक्सपोजर की वजह से कि एक बंदा प्राइवेसी में कोई काम कर रहा है जैसे आप समझ लो ये वाली बातें जो ऑडियो लीक्स भी हुई हैं इसमें हमें नहीं पता कि अगर तुम कह रहे हो कि कितने आवर्स की है 100, 140 फोर्टी वन आवर्स की जो भी बातें उसमें कितनी को रैंडम बातें होंगी कितनी को कैजुअल बातें होंगी किस तरह के अल्फाज यूज़ हुए होंगे मतलब हम लोग तुम हम लोग अपनी ये जो हमेशा बात करते हैं कि हम लोग आपस में बात करते करते भूल जाते हैं कि ओ हम लोग कैमरे के आगे बैठे हुए हैं तो हम लोग एकदम से इस तरह हो जाते हैं तो कितनी कैजुअल चीज़ें होती हैं कितनी रैंडम बातें होती हैं जो आप हर किसी के सामने कंफर्टेबल नहीं होते बेशक वो गलत नहीं है लेकिन आप हर किसी के सामने कंफर्टेबल नहीं होते उस बारे में बात करने में जब वो निकल आएंगी बातें जब वो ऑडियोस लीक होना शुरू हो जाएंगी तो क्या इफेक्ट होगा क्या होगा हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अच्छा हाँ इसने ये जॉब ऑप्ट की है तो लाइक डील विद इट ना अब कि आपने आप इस पोजिशन में आए हुए हो आपने अपने आप को एक्सपोज़ किया हुआ आप पब्लिक हुए हो तो लाइक डील विद इट क्या लोग तो बोलेंगे

Affect नहीं देखो ना but... मेरी बात सुनो जो uh -huh. जितने लोग सेलिब्रिटीज वगैरह को या बहुत नेक्स्ट लेवल लोगों को यही कहते हैं ना कि आ, आपके घर में तो ये हुआ अब आप निकल आए हैं आपके घर में तो अब ये हुआ तो आप इतने इजीली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं आपके घर में अभी ये हुआ तो आप स्टेटसेज लगा रहे हैं उस चीज़ के तो अच्छा हाँ ये तो ईज़ी है hmm. किसी को वो एफर्ट नज़र नहीं आती किसी को वो नहीं समझ आता कि अच्छा हाँ वो अगर उसकी पिक्चर देख रहा है या वो पिक्चर लगा रहा है तो वो बेहतर फील कर रहा होगा तो वो शेयर कर रहा है ना बट आप उसको बेहतर फील करने नहीं दोगे मेरे ख्याल जो तुम बात कर रही हो वो है साइबर बुलिंग वो ये है कि साइबर बुलिंग इसी मुझे ये लगता है इसी वजह से है क्योंकि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया आप हर बंदा इतना एक्सपोज हो गया कि कि कोई प्राइवेसी नहीं है बेशक वो खुद लगाए या कोई और उसकी लगाते दें बट जस्ट बिकॉज वो पब्लिक आ गई है क्योंकि किसी हैकर ने तुम ये देखो ना कि चलो सेलिब्रिटीज़ बड़े पॉलिटिशन को छोड़ दो अब ये हाशे वाली चीज़ पकड़ वा लो कि कोई भी किसी की भी कोई चीज़ लीक हो जाती है बहुत लोअर लेवल पे बहुत पर्सनल लेवल पे कोई किसी की भी पिक्चर लगा के फ्रेंड्स के ग्रुप में भेज देता है बेशक चलो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें नहीं हैं बट वो फ्रेंड्स के ग्रुप में ये ले जाओ प्लीज़ फ्रेंड्स के के ही ग्रुप में लगा देता है hmm. तो वो उस बंदे पर क्या असर होता है साइबर बुलिंग की बात नहीं करी कि बेशक पब्लिक ना हो उस तरह yeah. तो पता नहीं ये मुझे ये लगता है हाँ मतलब क्यों? नहीं मैं पब्लिक पब्लिक की बात कर रही हूँ कि हाँ बेशक पब्लिकली ना हो लेकिन हर लेवल पे साइबर बुलिंग हो रही है एग्जैक्टली माय टेक ऑन इट इज दैट आई फील लाइक साइबर बुलिंग इज सो इफेक्टिव सो इफेक्टिव दैट फॉर एग्जांपल बैक इन द डेज हम लोग स्कूल के अंदर जब अगर हमें कोई बुली करता है तो उस बंदे को ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फील हो जाता है कि उसने गलत किया है या तो मैं उसको एग्रेसिव होकर आगे से जवाब दूंगा या तो मैं उसको मुक्का मार दूंगा या वो मुझे मुक्का मारेगा तो मैं रोऊंगा और उसको लगेगा कहीं ना कहीं कभी ना कभी घर जाके कि यारी मैंने ठीक नहीं किया ठीक है कहीं ना कहीं उसको ये फील आएगी यानी कि देर इज देर आर रिपीकॉशंस वो मुझे कुछ कहे इन पर्सन मेरी आंखों में आंखें डाल के उसको कोई ना कोई रिप्रीकॉशन तो मिलेगी ना अच्छी बुरी किसी ना किसी तरह का उसको फीडबैक मिलेगा इन केस ऑफ साइबर बुलियंग जब आप वीडियोज देखते हो और आप कॉमेंट्स करते हो आपने टाइप करके कीबोर्ड वॉरियर बन गया आपने टाइप करके डाल दिया देर इज नो रिप्रीकशन आप अपनी दिल की बड़ास निकाल रहे हो बिकॉज दैर इज ह्यूमन साइकी दैर इज वॉट बुलियंग इज इन दैट्स वाई एवरीबडी डज इट बिकॉज इट फील्स गुड टू हेट ऑन समबडी बट वेन यू डू इट यू डोन्ट गैट दैर रिकशन सो यू स्टार्ट लूजिंग दीज एथिक्स एंड यू स्टॉप feeling for another human being and you don't actually realize what happens on the other side i remember when i i started this like nine years ago right and i faced uh i faced uh bullying online and in person to me to my mother was when i was 18 17 18 right at that time मैं अपने स्कूल का शायद तरीन किड था इतना शाय था इतना शाय था कि एक दफा मुझे पता लगा कि एक लड़की मुझे पसंद करती मैं स्कूल ही नहीं गया यानी मैं इतना शाय था ठीक है मैं इतना शाय था तो उस बच्चे को जब वो वीडियोस बनाना शुरू करता है हिम्मत करके तो उसको पता लगता है कि उसकी माँ की दोस्त ने उसको आके कह रही हैं या उसके कजन उसकी कजन नहीं यानी कि फैमिली वाले कह रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा यू you नो know? क्योंकि इट वाज क्रिंज टाइम एंड राइटफुली सो ठीक है नो प्रॉब्लम पार्ट द प्रोसेस आई एम लर्निंग बट आई रिमेंबर जब तुमने स्टार्ट किया था तो हमारा एक एपिसोड पॉड कैस्ट वाला हुआ था जिन लोगों को याद है इफ़ यो जी फैन वी गॉट शामिल जाहिद हु इज ऑफ दिट्स इन पाकिस्तान एंड वी गॉर हेम और हमने uh, हमें नहीं लगा कि हमने उसको बुली किया लेकिन लोगों को लगा एंड वी रिस्पेक्ट पीपल्स ओपिनियंस लोगों को लगा कि हमने उसको थोड़ा सा बुली कर दिया तो नीचे जो गालियाँ पड़ी बहुत ज़्यादा तो मुझे वो इतनी ज़्यादा लगी नहीं बिकॉज़ आई हैव एक्सपीरियंस डेट सो मनी टाइम्स ओवर दर्स लेकिन सुंदर इसको वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट उसके अलावा भी तुम्हें याद है कि मैं तुम्हें लिटरली रातों को कॉल्स किया करती थी कि शाहवीर तुमने वो वाला कॉमेंट पढ़ा है हाँ. तुमने वो वाली चीज़ पढ़ी है, तुमने और तुम्हारे को ये एक एक घंटे की हमारी वो कॉल होती थी जिसमें सिर्फ तुम बोल रहे होते थे, थे और मैं होती थी कि हाँ अच्छा हम्म हम्म हाँ ठीक कह रो अच्छा हाँ हाँ सही है और मैं तुमसे बात करके बहुत बेहतर फील करती थी मैं इजी हो जाती थी लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ चलती रहती थी कि यार इतने बुरे भी तो नहीं है हम लोग कि मतलब हंसी मजाक में अगर हम कोई गलती कर भी देते हैं और हमें कोई सौ लोग आके बताने वाले हो जाएं कि तुम ये तुम ये तुम ये तुम ये तुम ये, तुम ये। मतलब गेट इट तो वो इतना बुरा इम्पैक्ट होता था मेरी रातों की नींदें चली जाती थी और मैं होती थी कि या शाफी प्लीज तुम फ्रेंड्स में बैठे हो कभी फैमिली में हो कभी कहीं हो कभी कहीं हो, और तुम बस आधा आधा एक ही घंटा बस लगे रहते थे कि नहीं ये देखो इसी तरह होता है लोगों को नहीं ये करना होता है वो करना होता है ये होता है वो गलत ये सही ये गलत वो सही अपने आप को ये करो वो करो और मैं बस सुनती रहती थी और वो वाकई ये होता था कि बहुत बुरा उसकी वजह से इफेक्ट यही होता था कि मुझे रातों को नींद नहीं आती थी और मैं सोचती थी कि यार मतलब आप आप इस पोजीशन में क्यों आ रहे हो कि लोग आके आपको इस तरह की बातें कहेंगे तुमने ये गलत किया या क्योंकि आप जज तो बना नहीं रहे ना अगले को और आप यहाँ पे गलत काम भी नहीं कर रहे आप बैठ के सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हो हाँ। और आपको उस हंसी मजाक में भी इतनी बातें सुननी पड़ जाए या बिल्कुल आई मीन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट Famous person, it's not easy. Obviously, you skip perks, and nobody's complaining here. Come on, <laughs> 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 I'm not saying that obviously there are perks, but there's a lot. You have to be thick skinned, you have to learn a lot, you have to listen to people. You always have to bow down and just say, aap sahi ne, aap sahi ne, aap sahi David Blaine, uh, David Blaine, ke, no? Dave Chappelle, David mm -hmm. Chappelle. Uh, he's a <laughs> <comedian>. <laughs> <laughs> किसी का भी नाम लेके बात कर लो <laughs> मैं दोनों को डेविड समझ लूंगी कोई अंग्रेज एनीवेज ही इज अ ब्लैक कॉमेडियन वो आगे कहता है कि मैं इंप्रेशंस बहुत अच्छे करता हूं मतलब मैं लोगों की नकल बहुत अच्छी उतारता हूं uh -huh. और कह रहा है मुझे खाली दो इंप्रेशंस आते हैं पहला इंप्रेशन वो किसी का करता है दूसरा इंप्रेशन वो करता है और वो ऑडियंस को कहता है कि आप गेस करें नहीं एक्स्ट्रीमली पॉपुलर बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो uh, वो आगे स्टैंड अप कॉमेडी किंग कहलाता है वो ठीक है तो वो आगे कहता है मैं जो दूसरा इंप्रेशन जो मैं अच्छा करता हूँ वो यूं है कुछ वो कहता है वर्स आई लाइक यू बट इफ यू डू एनी थिंग फॉर द नेक्स्ट आई डोट नो है समथिंग लाइक दै वो इस तरह का करता है I will say Can you guess who it is? Can you guess who it is? Audience will say that. That is you. That is you. Can you you are the worst motherfucker I tried to entertain in my life. I look that you with that. Look at that. Yeah. And th that was that was that one scene. Lello, de you know, e even the audience goes like, uh, "Jo niye comments hai main us video ki, bhukh hai main ki yar kittra king hai ye. Kya logon ke, log ke muhpe kar rahe kya? Kutta. <laughs> 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 and yon, log kar rahe yes, yes, kuto, yes we, that's us. we <laughs> karenge ye. So, so audiences generally uh, engage. They generally engage in cyber bullying, and a lot of people don't know about this. A lot of people don't actually realize it, but.

अगर तुम इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर अपना हाथ यूं करके फेरो क्या तुम फेर सकती हो यूं करके यूं करके यूं यूं कर इस कुशन के ऊपर उलझन होती है मेरे हाथ मेरी उंगलियों में छिंच काटती है छिनछिन कहता हूँ नहीं उंगलियां मारो ना ये तो कोई भी कर सकता घी वाली उंगलियां मारोगी तो लड़ोगे फिर अच्छा मार भी रही है साथ है नहीं ये इनसे खा रही हूँ तमीज से बात कर मेरे तामी से तामी तेरे को बोल रहा हूं घी लगा दूंगी टेढ़ी तो आई मीन दैट्स दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वन थिंग टुडे एक्चुअली और उस बारे में हमने बात नहीं की 50 मिनट भी हो गए व्हाट इज इट मैं बात, मैं बात करना चाह रहा था तुमने ऐसे क्यों फ्राइज फेंक के रिस्पेक्ट करो बात करना चाह रहा था तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू लेट पीपल नो हाउ टू मेक मनी रादर देन ईटिंग फ्राइज ओवर हियर कम ऑन जीस जीस ओ हजरत ईसा हमारे भी पैगंबर हैं तुम ऐसे क्यों कहते हो जीस ऐसे क्यों कहते ज़्यादा अंग्रेज़ ना मेरे साथ बना करो तो मैंने जी कहा जीसस बहुत अंग्रेज़ हो गए एनीवेज़ व्हाटएवर

स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताना चाहिए कि हाउ हाउ इजी इज एक्चुअली टू मेक मनी ऑनलाइन हाउ आई वांट टू नो टू प्लीज आई रियली वांट टू नो प्लीज स्टेप बाय स्टेप लेके चलना बहन को ऐसे जल्दी जल्दी चलते ना बहन को समझ नहीं आती तो प्लीज स्टेप वन मेक मनी मेक मनी Steck, nahin, uh, step one is that uh, you, actually actually all my friends, their wives, vibes of businesses start start their Your mom hmm. started an online store, Kiran Papo started an online score, store, my mom started an online, like YouTube and all, Hashir started an online something, I started an online something, you started an online something. शाहेदी एवरीबडी इज़ डूंग स्टोर ऑनलाइन एंड इन लॉरक केसेज वट पीपल डू इज के वो uh, बाहर से चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं ट्रेडिंग जिसको आप कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आप बुलाते हैं चीज़ें मंगवाते हैं और आप वो चीज़ें एट अ सर्टन प्रॉफिट आप थोड़ा सा अपना दस बीस रुपए रख के पर आइटम आप भेज देते हैं okay. uh, लोग बहुत सारे ये कह रहे हैं फिर जिन लोगों को आर्ट्स का शौक़ था ड्राइंग का शौक़ था वो लोग अपनी पेंटिंग्स बना बना के बेच रहे हैं जिन लोगों को खाने पीने का शौक़ था उन लोगों ने होम किचन्स खोलनी है कहने का मेरा मकसद ये है कि जो लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी के साथ करें और जिन लोगों को भी सेल्फ सपोर्ट या जिन लोगों को पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता अपने पेरेंट्स से इन टर्म्स ऑफ पॉकेट मनी एंड ऑल आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके का और वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट आपको लगता है इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑल यू हैव टू डू इज लिटरली मेक अ स्टोर ऑनलाइन अपनी वेबसाइट बनाओ इंस्टाग्राम पेज बनाओ या डू समथिंग कम ऑन यू नेवर नो इट कुड बिकम अ मल्टी मिलियन रुपी बिजनेस यू नेवर नो और वाकई नहीं पता होता है इन चीज़ों का आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा सो यू शुड जस्ट नॉट थिंक अबाउट इट जो भी आपकी कैपेबिलिटी है या जो भी आपका टैलेंट है ना उसको यूटिलाइज करते हुए आप कुछ ना कुछ ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो लिटरली एक फ्री जगह पड़ी हुई है उसके ऊपर दुकान आपने खड़ी करनी है फॉर गुड गुड यार I mean, यार आई मीन ना बैक इन द डेज नहीं पहले हम इसको nice. एक जगह पड़ी हुई है <laughs> और उसमें टीचर्स वगैरह सारे चुप बैठे होते हैं और आपका दूसरा बेस्ट फ्रेंड खड़ा जाता है वैसे मैंने तुम्हें मुझे की ताली नहीं आ वो जिस तरह की हम लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि अगर छोटी सी चीज आपकी की भी दुनिया में एकदम से वायरल हो जाती है फैल जाती है तो आपका बिजनेस इस तरह क्यों नहीं स्प्रेड हो सकता बिल्कुल हो सकता है आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करें आप घर से स्टार्ट करें मैं जिस तरह की लेजी हूँ मैं जब कोई चीज़ स्टार्ट करने का सोचती भी हूँ अगर तो मुझे होता है अच्छा मेरे पास ये भी हो मेरे पास वो भी हो मैं ये भी लेके और मैं वो भी करूँ और मैं उस प्रोसेस में ना बैठ ही जाती हूँ कि यार मतलब ये तो बहुत एक्सट्रीम बहुत इस तरह की बात है जब अम्मी ने स्टार्ट किया तो अम्मी ने कुछ भी नहीं just just कुछ भी नहीं मतलब लिटरली सिर्फ अपनी चीज़ें जो थी उनकी तस्वीरें खींच के लगाई हैं और कोई इस तरह का नहीं था कि नहीं पहले मैं दस चीजें दस दुपट्टे लेके आऊंगी का अच्छा अलहमदिल्ला हाँ उनके लिए फिर जा रहा है दस दुपट्टे लेके आऊंगी दस डिजाइन बनाऊंगी डिफरेंट कोई सौ लेके ले और फिर मैं इसको करूंगी नहीं अम्मी ने बस एक दुपट्टा बनाया एक चीज लगाई और लगा दी बस एक और चीज ये बात करी थी मुझे आइडिया आया कि हम लोग अपनी आई टी एक्सपोर्ट नहीं करते बल्कि इमरान खान ने रिसेंटली अपनी किसी पोलिटिकल रैली के अंदर ये कहा भी था और मुझे उससे आइडिया हुआ कि एक्चुअली दर इज ट्रू मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ मेरा एक दोस्त था जो कि हेपन्स टू बी वेरी क्लेवर वेरी स्मार्ट गाय वो क्या करता था आ, बाहर इंटरनेशनल कंट्रीज से इंटरनेशनल कंट्रीज कैनेडा अमेरिका से <laughs> 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 Canada, आ, ना वो स्टूडेंट्स वगैरह को पकड़ता था उनको कहता था कि मैं तुम लोग के असाइनमेंट्स होमवर्क वगैरह करवाऊँगा वो हर असाइनमेंट होमवर्क के क्रेजी पैसे चार्ज करता था बहुत ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि हमें लगता है ना पचास हजार रुपए बाहर दो सौ डॉलर बनते हैं दो सौ डॉलर कुछ भी नहीं है वहां पे लिटरली इट डज मैटर फॉर डूइंग एन असाइनमेंट इट्स फाइन सो ही चार्ज दैर मानो मनी एंड ही वुड लिटरली गेट हिज फ्रेंड्स हुम ही वुड गिव तीन तीन चार चार हजार रुपए दे के अपना काम करवा लिया उनसे काम करा के अपनी पॉकेट में तुम क्लेवर देखो वो कितना था बट इस स्टोरी का पॉइंट ये नहीं है कि आप ये करें स्टोरी का पॉइंट ये है कि एक वेबसाइट है फाइवर एफ आई वी ई आर आर डॉट कॉम उसके ऊपर आप अपना आपका कोई भी टैलेंट है जैसे कि तुमने लट से कि तुम ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत अच्छी हो तो तुम उसके ऊपर जाके अप करके ना तुम इंटरनेशनली लोगों को ग्राफिक डिज़ाइन करके दे सकती हो चीज़ें और वो तुम्हें अच्छे खास से उसके पैसे देंगे जब तुम्हें पता लगेगा ना कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग और आई के अंदर लर्न हाउ टू यूज़ अ लैपटॉप टू दो आर वॉचिंग दिस ऑन ऑन अ सेल फोन या समथिंग गेट Good with these things. Get good with technology. I know. I run a brand. I'm like running STY and all, nah? I know how much graphics designers charge. harsher shirt design करने के हजारों रुपये charge करते हैं like बहुत ज़्यादा बीस तीस चालीस like crazy So graphics designer ki game hai. it specialists की game hai. Uh, jo log, uh, software engineers is ki fields can the IT-related fields, people don't know the potential because that is where the future lies. Future is all tech. Trust me on this. Uh the metaverse be in the next 15-20 years long.

नहीं यार मेरा ख्याल है कि वकार भाई नाराज है मेरे साथ हाँ, हाँ, क्यों यार मैं पीसा अवार्ड्स पे नहीं ना गया था तो, तो उनके वो कराते हैं <laughs> <laughs> क्या <laughs> ले तो मेरी नहीं पता नहीं <laughs> नहीं <laughs> ना मैं हाँ कह रहा हूँ ना मैं ना कह रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है मैं बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता बट मैं पीसा अवार्ड्स पे नहीं गया था वो मेरे से नाराज है क्योंकि उन्होंने बुलाया था कि तुम मेरे साथ चलो और इसलिए तुम नहीं गए तो इसलिए वो नाराज है वो पीसा कराते नहीं है ओवर ना हो मेरे साथ ऐसा ही है

मैं ये नहीं चाहता कि माँ बाप कटाएं लेकिन इसलिए प्लीज आई एम जस्ट सेइंग दैट आप आपके आप अपने टैलेंट को कभी भी कन्फाइन ना करना uh, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कभी की वजह से की वजह से कभी भी ये ना समझना कि जो मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ बस यही मेरी जिंदगी मौत है मैं खुद मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ मैं फोर्थ ईयर ड्रॉप आउट लास्ट सेमेस्टर ड्रॉप आउट ठीक है

गेट इट मतलब अगर आपके साथ वाला कोई बहुत ही ए स्टार्स ले रहा है और बहुत ही कोई टॉप कर रहा है और वो पढ़ आपके जितने ही रहे, तो आपका दिमाग उसी चीज़ में फंस जाएगा कि यार मेरे बाकी सारे कर रहे हैं तो आप अपने आप को वो भी करो लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो ही अचीव करना इतना मुश्किल हो गया कंपटीशन की वजह से हो नहीं मैं तो बहुत नलायक हूँ मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था अचीव करना तुम्हारे लिए आसान होगा

और एजुकेशन खाली यूनिवर्सिटी से नहीं आती मेरा अपना पर्सनली ये मानना है और hmm. स्कूल से नहीं आती वो अब बहुत ज्यादा इस तरह की चीज है।, है ना फ्री में भी ले सकते हो मुफ्त फ्री का ज्ञान जहाँ से मिल रहा है आप ले लो कसम से <laughs> 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 लेकिन हाँ तुम्हारा ऑलरेडी वैसा ही था तुम ये अपनी चीज एक्सप्रेस करने की एक और चीज़ मिल नहीं मतलब तुम तो हमेशा से इस बारे में बात करते थे कि मतलब मुझे पता है ना कि ये चीज़ तुम्हारे माइंड में और ये जब भी हमारी कोई बात होती थी तो हमेशा करते थे इस बारे में बात तो थ्री एडियट्स में इमरान खान ने आमिर ख़ान ने इसका आइडिया आमिर खान ने इसका आइडिया <laughs> <laughs> चोरी <laughs> कर लिया हैक कर लिया इसका ब्रेन इसका ब्रेन हैक हो गया था जब पीटीआई का जलसा किया था 3 डेट्स में याद है ना किसी ने ठीक है स्लिप ऑफ टंग हो जाता अभी तुम सोचो मैं टंग ऑफ स्लिप कहने लगी थी तो मेरा कितना ही बड़ा स्लिप ऑफ टंग होना था इतना ऊंचा बोल के तुम्हारा टंग ऑफ स्लिप इनसेप्शन हो जाता था सोचो कि मैं कह रही थी मैंने वो जो कहा था वो भी स्लिप ऑफ टंग था क्रेजी सोचो

ये वो ये, ये रणवीर सिंह वाला मुझे बोलना रणवीर कपूर रणवीर कपूर वाला बोलना इसको भेजना पड़ता है हम मुझे हर क्योंकि <laughs> ये मैसेज करके इसको मैसेज करके बंदा भूल जाता है क्योंकि शावीर मैसेज देखता है और शावीर मैसेज देख के तो आपको साइड पर रख देता है चैट्स बहुत एंबैरेसिंग है देखो ये कूल सुन कहती पॉडकास्ट कब आई सेड सून सून

बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके हमेशा की तरह हमेशा की तरह भाई साहब बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके अल्लाह हाफिज़ बाय बाय मैंने लास्ट में मैंने किया था तालियां तो मैंने बचाई थी आपको <laughs> पता कौन जीता <laughs>